अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर साल की तरह इस मरतबा भी कबूतर रेस का जो इनामात की तकसीम जो तकरीब है वो इख्तिताम पज़ीर होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त पे डिप्टी डायरेक्टर जमशेद बलोच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने कबूतरबाज जो हैं उन्होंने इनामात जीते हैं, इस तकरीब के हवाले से कुछ बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करता चलूँ कि ये जो इवेंट है ये रफीक साहब और इनकी जो पेशावर होमिंग पिजन एसोसिएशन है उन्होंने कराया है। तो सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद की, इतनी अच्छी इन्होंने तकरीब यहाँ पर मुनक़िद की है। बेसिकली ये सारा साल रेसेस मुनक़िद करते रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, रेम यार खान टू पेशावर, डी ए खान टू पेशावर, और डिफरेंट ये तफसीलात खुद बताएंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इनके साथ ये दफ़ा फैसिलिटेशन दी है कि इनको यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स एरिना अवेलेबल किया है ताकि ये यहाँ पर अच्छे तरीके से इस शौक को पूरा कर सकें। दूसरी बात यह है कि हम इनको क्रेडिट भी देते हैं कि आपको पता है कि ये हमारे आबाओ अजदाद का शौक है। अगर आप पुराने ज़माने में देखते हैं तो हम कबूतर और इंसान का चोली दामन का जो साथ रहा है, जंगों में भी देखें तो कासे के तौर पर भी कबूतर इस्तेमाल होते रहे हैं। और वंस अगेन रफीक साहब, जिशान साहब, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कबूतर जो है वो तो वफा की एक अलामत समझे जाते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि ये रेस भी करते हैं, कहां कहां से ये रेस जीत के आए हैं और कितने फासले ये तय करते हैं, इस हवाले से कुछ बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया वर्ग के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और हमारे इस इवेंट को कवरेज दी, और फिर जमशेद साहब का यहाँ पे हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये फैसिलिटेट किया है, अरीना हाल हमें दिया। हमारा मकसद जो था ये रेसिंग पिजन, इसकी जो लोगों को अवेयरनेस देनी थी कि बेसिकली ये रेसिंग पिजन है क्या, और ये सारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह क्लब बन चुके हैं। बलूचिस्तान में हमारी जो दोस्त है उनको एफिलेशन भी मिल चुकी है स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम चाहते हैं कि जैसे जो है ना एक बहुत पीछे तारीखी एक हवाला है, कासिद होते जो खत व किताबत होती थी, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में एज अ स्पाई इसको यूज़ हुआ है, और हमारा जो रेसिस का एक तरतीब से एक सिस्टम होता है, हम साल के कुछ महीने हमारी रेसिस होती है, हम यहाँ से कड़क से स्टार्ट करते हैं, हमारी लास्ट रेस रहीम यार खान तक होती है।